अच्छा छोड़िए सब, ये बता कल तू इंग्लिश मूवी देखने गई थी ना, क्या देखा तू? कुछ इंटरेस्टिंग बता यार। क्या बताऊँ तुझे, कल की मूवी देख के तो मुझे इतना मजा आया ना। हाँ क्या ऐसा इंटरेस्टिंग क्या था उसमें? उसमें हस्बैंड लोग है ना अपनी वाइफ को एक्सचेंज करते हैं। ओह रियली? सोच ऐसा। और लोग इतना मजा कर रहे थे ना, इतना मस्ती कर रहे थे ना, मुझे देख के इतना अच्छा लगा ना। फिर सोचा यार वो मूवी है, बड़ी मजा आई मुझे मूवी, कुछ नया देखने मिला मुझे। सोच रही क्या क्यों ना वो पागल है, वो अपनी वाइफ एक्सचेंज कर रहे थे। हाँ हस्बैंड एक्सचेंज करते, वो मूवी थी ये रियल लाइफ है बेटा। आई नो वो मूवी थी। हम अपने हस्बैंड को आजमा तो सकते हैं ना इसी बहाने, हम कौन सा रियल करने जा रहे हैं। हाँ ये बात तो है, कौन सा पति बार मुंह मारना नहीं चाहेगा। ठीक है ट्राई करके देखते हैं। ठीक है अरे देखा तुम? हाँ मैं कहूँ तो चली जाऊँ? अरे नहीं नहीं जाना क्यों है, लेकिन तुम यहाँ अचानक कैसे? वो क्या है, तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो। अच्छी तो तुम भी मुझे बहुत लगती है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं थोड़ा दीवाना सा हो गया। लेकिन सीमा उसकी फिक्र मत करो, वो अभी नहीं आएगी। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे रुको, इतनी क्या चाहते? अरे तुम तुम्हें तो हाँ ठीक है। अच्छा रुको मैं दो मिनट में। अरे यार लेकिन आओगी ना? हाँ आती। पक्का? पक्का ना? पक्का आना जरूर। मत पूछ। अच्छा चल चल तू बता। मैं अंदर गई, तेरे पति ने मुझे बाहर भगा दिया। अच्छा वो तेरे लिए लॉयल है यार। मेरे पति ने क्या किया? मत पूछ। क्या किया उसने? क्या किया? बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आई हूँ। मतलब कमीना निकला मेरा पति। कमीना? वहाँ कमीना है। वो बताती हूँ मैं। वहाँ कमीना है वो। वहाँ कमीना। ये सब क्या लगा था तुम दोनों? सीमा ने जो कुछ कहा वो सब सच है क्या? सॉरी डियर, बस हम ये देखना चाहते थे कि आप दोनों के पति कितना लॉयल है। और सॉरी आप तो लॉयल निकले, रोहित इस पर तो मुझे पहले से ही शक था, आज प्रूफ भी मिल गया। ये दुखी और आप लोग हंस रहे हो? देखो मैडम जी, रोनित भी सीमा के लिए उतना ही लॉयल है जितना कि मैं। रोनित ने तुम दोनों की बात ही सुनी। जैसे तुम दोनों ने प्लान बनाया वैसे ही लॉयल ना होने का मैंने भी नाटक किया, हम दोनों के प्लान के मुताबिक। थैंक गॉड, मैं इतना डर रही थी ना।